रोशनी अपने जवान भतीजे के कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, तभी अचानक उसका भतीजा उसके साथ छेड़खानी करने लगा और देखते ही देखते रोशनी भी गर्म हो गई और फिर अपने भतीजे के साथ एक्सट बसाट करवाने लगी। नमस्कार दोस्तों, एसन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, एसन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। 18 साल की बेहद ही जवान एक रोशनी नाम की लड़की अपने ही भतीजे के साथ उसके रूम में बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी और तभी अचानक उसका जो भतीजा होता है अपनी जब जवान बुआ को देखता है, उसका गदाया हुआ बदन देखता है तो फिर उसके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। और फिर देखते ही देखते जो रोशनी होती है अपने भतीजे का विरोध नहीं कर पाती है और फिर चढ़ती जवानी में गर्म हो जाती है और फिर अपने जवानी की आग को बुझाने के लिए अपने भतीजे के साथ एकसठ बासठ करवाने लगती है। और इन दोनों का ये एकसठ बासठ लगभग डेढ़ घंटे तक चलता है और उसके बाद में जब दोनों शांत हो जाते हैं तो फिर अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। इसी तरीके से इन दोनों का ये कारनामा लगभग 5 महीने तक चलता रहता है। रोज रात को पढ़ने के बहाने रोशनी अपने भतीजे के कमरे में आती है और फिर दोनों एकसठ बासठ वाला प्रोग्राम चलाते हैं। एक दिन की बात है, रोशनी अपने भतीजे के साथ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी और रोशनी अपने भतीजे के साथ एकसठ बासठ वाला प्रोग्राम चला रही थी, तभी अचानक उसकी भाभी वहां पर पहुंच जाती है और फिर वो इन दोनों को एकसठ बासठ वाला प्रोग्राम करते हुए आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और फिर वो अंदर कमरे में जाती है तो फिर इन दोनों को मारने पीटने लगते हैं और फिर बताती है कि मैं ये कारनामा तुम्हारे बड़े भैया को बता दूंगी। उसके बाद रोशनी जो होती है डर जाती है कि कहीं ये भैया से बता देगी तो फिर हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। उसके बाद रोशनी जो होती है अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने भाभी को वहाँ पर पटक देती है और बिस्तर पर पटक कर उसका हाथ पैर पकड़ कर उसे मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद आधी रात को ही रोशनी अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने भाभी की लाश को घर के पीछे लगे गन्ने में फेंकवा देती है और फिर दोनों आकर फिर से एकसठ बासठ वाला प्रोग्राम चलाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो फिर उसकी तलाश होने लगती है तो घर वालों को पता चलता है कि वो गायब है तो घर वाले आस पास जाकर खोजने लगते हैं। उसके बाद में गांव का कोई व्यक्ति जो होता है गन्ने के खेत में उसकी लाश को देखता है तो फिर परिजनों को इसके बारे में बताता है तो फिर वहां पर वो लोग पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर लाश को कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर आगे की छानबीन करने लगती है। पुलिस जब छानबीन करती है तो उसके पति से पूछती है कि आखिर इनका किसी के साथ दुश्मनी था तो फिर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। रोशनी होती है जब उससे पूछताछ होती है क्योंकि रोशनी की उसकी भाभी के साथ काफी ज्यादा जमती पड़ती थी तो फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर बताओ तुम्हारी भाभी रात को कहाँ गई थी। तो फिर रोशनी जो होती है हवाने लगती है और फिर इधर उधर की बातें करने लगती है तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस जो होती है उसको हिरासत में लेकर थाने ले जाकर पूछताछ करती है। तो रोशनी जो होती है डर के मारे पुलिस को सारी बातें बता देती है और फिर जो पुलिस होती है रोशनी के कहने पर उसके भतीजे को भी हिरासत में लेती है और दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता ना लाएं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप सलाखों के पीछे हो जाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा अपने यार दोस्तों को सावधान सतर्क रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें, हमेशा देखते रहें एसन क्राइम अफेयर।